Thank you.
जी
सब कोई राधा माँ के लिए, अपने अपनी माँ के लिए, जोधा वाली के लिए बिल्कुल सीधी हाथ करके जय घोष करेंगे, बिल्कुल सीधे दोनों हाथ उठा लीजिए। बोल साजे दरबार की, दरबार की राधे रानी सरकार की, सरकार की। ये राधा रानी के माँ के, ये गरीबी का फरियाद लेके आया हूँ, मेरा बचपन का यार है वो, जाओ जागे सुनो मेरा हाल। तो कहते हैं अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, बड़ी खुशी है कि आज हमारा देश गांधी जी के बताए हुए तीन रास्तों पर चल रहा है। गांधी जी का पहला रास्ता था कि देश को गुलामी से दूर किया जाए, दूसरा रास्ता था कि गंदगी से देश को कैसे दूर किया जाए, और तीसरा था गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबी से देश को किस तरह से मिटाया जाए। गांधी जी ने अपने रहते हुए पूरे देश को जगाया और गुलामी को दूर हटाया। अब समय आ गया है कि गंदगी और गरीबी मिटाने का। मोदी जी ने बहुत अच्छा नारा दिया कि देश से गरीबी गंदगी को हटाना है, और वह संदेश गांव-गांव तक, बच्चों स्कूलों तक पहुंचा है, और हम सब मिलकर इस बड़े प्रोग्राम को, देश को स्वच्छ बनाने का काम करना चाहिए। सर, सोने की चिड़िया फिर से कैसे बनाया? सोने की चिड़िया भारत को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है अगर हम सब मिल जाए। आज सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, एक कि जिस प्रकार से देश निराशा के गर्भ में चला गया था, और जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने और विदेश दौरा जहाँ जहाँ भी गए उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा
फहराया, तो ऐसा आपको महसूस होता है कि वाकई में अब जो हमारा देश पहले कहा जाता था कि सोने की चिड़िया होगी, तो वाकई आपको लगता है कि ये देश वापस से भारत एक सोने की चिड़िया बनेगी? मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है, अगर गांधी जी के रास्ते पर चलकर मोदी जी ने काम किया तो भारत इन 5 सालों में सोने की चिड़िया बन जाएगा। वह पहला कारण है कि जिस तरह से नदियों को जोड़कर डैम बनाए गए, पानी एक आदमी नहीं ला सकता था तो सरकार का काम था डैम बनाना, डैम से नहरें निकालना, नहरों से घरों तक पानी पहुंचाना, कंज्यूमर का काम था उस पानी को यूज करके टैक्स देना। इसी तरह लाइट पावर हाउस एक आदमी नहीं बना सकता था, तो नेहरू जी ने, हमारे सरकार ने बड़े बड़े पावर हाउस लगाए, लाइनें खींची, सब स्टेशन बनाए और घर घर तक लाइट पहुंचाने का काम किया। कंज्यूमर का काम था टैक्स देना, यूज किया हुआ बिल देना। इसी प्रकार से आज देश में सरकार को चाहिए कि जो खेती है उसको सरकार करे, बीज सरकार डाले, हल सरकार चलाए, पानी सरकार दे, पेस्टिसाइड सरकार लगे और जो मजदूर है, जो किसान है, उसकी रखवाली करे, गुडाई करे और उसका संरक्षण करे। फसल आने के बाद 20% सरकार ले ले और 80% किसान को दे दिया जाए, तो इससे पूरे देश में एक नई क्रांति आएगी। पूरे देश में जो माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहर की तरफ, वो खत्म हो जाएगा, किसान मजबूत बनेगा और हर गांव खुशहाल बनेगा, जिससे बेरोजगारी मिटेगी, जिससे महंगाई खत्म होगी, जिससे दूध दही के प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसान खुशहाल होगा, तो आज हमारा देश खुशहाल होगा। क्योंकि गांधी ने देखा था कि हमारा देश गांवों में बसता है और गांवों में आज हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इन गंदे शहरों में नहीं आएंगे। तो मेरा नर्म निवेदन है मोदी जी से, आज गांधीवादी नेता होने के साथ से, कि वे जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को अपनाएं कि किसान का को हेल्प करें, बजाय इसको सब्सिडी देने के, बजाय इसको लोन दिलाने के, बजाय इसको खाद देने के और बजाय नरेगा चलाने से, जो योजनाएं हैं उनका सब ध्यान खेती पे जाना चाहिए कि एक चक बनाकर, जिस तरह से पहले चकबंदी हुई, छोटे छोटे टुकड़े को बनाकर एक खेत कर दिया गया, इसी तरह जहाँ चावल होते हैं उस एरिया को चावल का डिक्लेयर कर दिया जाए, जहाँ गन्ना होता है वहाँ गन्ने का डिक्लेयर कर दिया जाए, जहाँ मूँगफली होती है वहाँ मूँगफली का डिक्लेयर कर दिया जाए। इस तरह से अगर किया गया तो आने वाला भविष्य इजराइल की तरह, जहाँ रेगिस्तान था आज वो सोने की चिड़िया बना हुआ है। तो इसलिए देश को एक नई आवाज की जरूरत है, नए कार्यक्रम की जरूरत है, न कि सब्सिडी, न कि नरेगा। आज सब नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको काम चाहिए, उनको नई पॉलिसी चाहिए। अगर अच्छे दिन लाने हैं तो हमें अच्छी सोच रखनी पड़ेगी और हमें गांधी जी के चरणों पर चलना पड़ेगा। जहाँ तक बात करें, यह चीज आप मोदी जी को एक अपनी कविता के माध्यम से मीडिया में दिए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से 2 लाइन की कविता, मात्र 2 लाइन की, आप चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बोलें। मैं ऐसे कवि तो नहीं हूँ, पर मिठाई वाला जरूर हूँ। पर मैं जानता हूँ, जब तार से तार जुड़ता है तो मिठाई बनती है, जब मन एकाग्र होता है तो कविता बनती है। तो मैं एक दिन बैठा था, बना दो मजदूर को मालिक, बना दो किसान को मालिक, सरकार को बनना होगा मजदूर, सरकार को बनना होगा मजदूर, हल चलाएगी सरकार, बीज डालेगी सरकार, खाद देगी सरकार, पानी पिलाएगी सरकार, मजदूर बनेगी सरकार, मालिक बनेगा किसान, तो देश सोने की चिड़िया बनेगा, देश सोने की चिड़िया बनेगा। मोदी जी से ही जुड़ा मेरा सवाल है, जैसे जिस प्रकार से आज ऑस्ट्रेलिया में गए हुए मोदी जी और भारत का, वैसे मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि भारत का झंडा बुलंद किया है वहाँ पे, और बराक ओबामा जैसे और लंदन के प्रधानमंत्री ने सामने से उनको बुला के और गले मिले, वो दो
और ब्लैक मनी का जो आज उन्होंने मुद्दा उठाया, जोर शोर से मुद्दा उठाया G20 में, तो आपको कितना विश्वास है कि इस बात को तवज्जो दिया जाएगा और हमारे देश का एक एक पैसा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश का एक एक पैसा वापस भारत में आएगा, आपको कितना विश्वास है इस बात में? मैं अपनी सलाह दे सकता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, तो मेरी सलाह एक ही है, अगर ब्लैक मनी तो एक ब्लैक मनी नहीं है, हमारी सोच जो हमारी आधुनिक सोच नहीं है, हमारी सोच है सनातन कि पैसे को बचाया जाए और हम गुलाम रहे, इसलिए हमें मालूम नहीं है टैक्स देने से हमको क्या फ़ायदा है, तो गांव खेड़े में लोग नहीं जानते कि टैक्स किस तरह भरा जाए, उसके लिए CA DA PA रखने पड़ते हैं, तो हमारे उन गांवों ने, उन किसानों ने पैसा अपना जमा करके रखा और उसमें टैक्स नहीं दिया, इसलिए ब्लैक मनी चला गया। अगर सरकार उसको समझा के देती कि टैक्स भरने से ये फ़ायदा है ये नुकसान है, तो हर भारतीय टैक्स भरता। सवाल ये है कि अब जो पैसा हो गया है उसको, जो ब्लैक मनी कहा जाता है उसको निकालने के लिए सरकार को एक माफ़ीनामा देना चाहिए कि जो भी पैसा आप वाटर बॉन्ड में डाल दो, वाटर बॉन्ड निकालना चाहिए, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने और नेहरू जी ने सोन बॉन्ड निकाला था, कि इंदिरा पद विकास पत्र निकाला था, किसान विकास पत्र निकाला था, उसी प्रकार से जल बॉन्ड, वाटर विकास बॉन्ड निकाला जाए। और सर सब जनता से अपील की जाए कि आज देश से 4 बीमारियां खा रही है, बेरोजगारी, महंगाई, माइग्रेशन और देश की अनेक समस्याएं जिनके लिए जूझ रही है सरकार, उसके लिए हमें सभी नदियों को एक करना पड़ेगा। जब पानी बचेगा, पानी एक होगा तो किसान खुशहाल बनेगा, देश के अंदर जो रेगिस्तान है वो हरा भरा होगा और चारों तरफ हरियाली आएगी, अनाज बढ़ेगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, नल लगाने के लिए, बावड़ी खोदने के लिए, तालाब बनाने के लिए, उसमें एक ह्यूज मनी चाहिए, वो आज सरकार के पास नहीं है। तो सरकार को इन सब करने के लिए इमरजेंसी के तौर पर जनता से अपील करें कि भाई आप अपना पैसा वाटर बॉन्ड में डाल दो, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप पैसा कहाँ से लाए, किधर से लाए, क्या करेंगे। तो जनता, भारतीय जनता देशभक्त है, उसमें उसके खून में, उसके ब्लड में है कि हिंदुस्तान हमारा है, मर मिटने के लिए तैयार है हिंदुस्तान के लिए, तो इसलिए हर नागरिक आपके पास पैसा जमा कर देगा। और वह बेरर बॉन्ड होना चाहिए कि वो इधर से उधर ट्रांसफरेबल होना चाहिए, जिसके पास हो उसी को पैसा मिलना चाहिए। अगर सरकार नीति साफ रखेगी, मोदी जी इसको समझेंगे, वित्त मंत्री समझेगा, राष्ट्रपति समझेगा, तो जो ब्लैक मनी के लिए लड़ रहे हैं, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो समय बर्बाद हो रहा है, आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो सब चीज़ खत्म करते हुए माफ़ीनामा देना चाहिए। जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने, जब डाकू समस्या थी तो सबको माफ़ी कर दिया गया कि भाई सब माफ़ कर दो, तुम्हारे पे कुछ केस नहीं चलेंगे। जब इमरजेंसी थी, सब लाखों लोग जमा हुए, तो उस समय सबको माफ़ीनामा दे दिया। जब देश में इस तरह की क्रांति आती है, देश को ज़रूरत होती है, तो उस समय एक आम जनता के हिसाब से नया कानून बनाकर इस काले धन को, या जो सेविंग है हमारी आम जनता की, उसको वाइट कर दो, उसको देश उपयोग में आगे ले आओ, तो देश अपने आप काले धन से मुक्त हो जाएगा और राष्ट्र विकास में आगे बढ़ जाएगा। और सर, एक इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जैसे देश आज़ाद हुआ था आज 67 ईयर्स पहले, अगर उस समय लौ पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता, तो आज देश की स्थिति कुछ और होती? मैं इतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ कि क्या होती नहीं होती, पर जब कोई लड़ाई से निपटते हैं तरक्की के लिए, तो बहुत शांति की ज़रूरत होती है। गांधी जी ने बहुत शांति कर देखा कि हमारे लौ पुरुष बहुत स्ट्रांग, मजबूत नेता थे, पर उस समय जरूरत थी शांति की, इस्टेब्लिशमेंट की। तो नेहरू जी बहुत पंचशील के होते, उन्होंने देश को संभाला, देश को चारों तरफ भाईचारा बढ़ाया, और ऐसे नेता को लाना ये परम धर्म था, जिससे कि ब्रिटिश चाहता था कि लोग आपस में झड़ जाए, बिगड़ जाए। तो उन्होंने कहा 2 साल तक अगर देश में लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमारा कानून वापस आ जाएगा, हमारा राज वापस आ जाएगा।
तो इसलिए उससे सोच समझ कर जो हमारी कांग्रेस थी, जो हमारे नेता थे, उन्होंने सोच समझ कर नेहरू को एक शांति युग पुरुष को उस समय नेता बनाया और उसने देश को आगे चलाकर बताया। वो तो 1962 में जब चीन ने गद्दारी कर दी तो नेहरू जी घबरा का पसीना छूट गया। नेहरू जी घबरा गए कि शांति से काम नहीं चलेगा, हमें भी लोहा लेना पड़ेगा। तो वो सही निर्णय था मेरे हिसाब से, और किसी भी देश तरक्की करने के लिए शांति और पीस की जरूरत होती है। तो अब आपको लगता है कि मोदी जब कमान संभाल ली है तो जो लौह पुरुष की कमी थी देश में हम वो पूरा, गांधी जी के पद पर चलते हैं, जात पात के झगड़े में नहीं फंसते हैं, जब तक वो भाईचारा उसमें नहीं जाते हैं और धर्म जात की राजनीति में नहीं फंसते हैं तो श्योर उनके नेतृत्व में देश एक नई दिशा देखेगा, आने वाला भविष्य स्वर्णमय बनेगा। जी, महाराष्ट्र के राजनीति में आप क्या अपना सलाह देना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज तूतूमय हो रहा है एनसीपी का, शिवसेना का, बीजेपी का? महाराज की राजनीति में एक ही है, जिन्होंने वादा किया अपने वादे से मुकर गए, वो एक बहुत बड़ा गलती है। इसमें दोनों को मिलकर काम, 25 साल से काम कर रहे थे तो कॉम्प्रोमाइज करके काम करना चाहिए था, जिससे कि एक अच्छी मजबूत सरकार बनती और वो नए अपनी आपस की अड़ी की वजह से मैं और ये मैं ही एक ऐसा कारण है जो सभी विवादों का कारण है। तो मेरा निवेदन है मोदी जी से कि वे मजबूत सरकार बनाने के लिए अपने पुराने पार्टनर को साथ लें और मजबूत सरकार बनाए।